तबाही का दूसरा नाम बन चुके कोरोना वायरस की वजह से फैली महामारी के बीच अगले 10 दिनों के अंदर विश्व स्वास्थ्य सभा का सत्र शुरू होने वाला है, जहां पर कोरोना वायरस की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। खैर, अब तक दुनिया का हर एक देश इतना तो जान चुका है कि जिस कोविड 19 की शुरुआत पिछले साल चीन के वुहान शहर से हुई थी, ये 4 महीने से ज्यादा समय में लाखों लोगों की जान ले चुका है। चीन पर कई देश ये आरोप लगा रहे हैं कि यदि वो दुनिया को वायरस के बारे में पहले ही सचेत कर देता तो इसके प्रभाव को कम किया जा सकता था। और सिर्फ चीन पर ही सवाल नहीं उठ रहे हैं, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सवाल पूछे गए हैं, जिस पर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगा है। कोरोना वायरस की वजह से फैली महामारी के बीच चीन और WHO के निदेशक ट्रेडिस अधनोम गैबसियस की सबसे ज्यादा आलोचना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने की है। पिछले महीने अमेरिका ने WHO पर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए उसकी फंडिंग पर भी रोक लगा दी थी। वहीं चीन से नाराज देशों की बात करें तो सिर्फ अमेरिका ही इस लिस्ट में नहीं शामिल है, बल्कि यूरोपीय संघ ने घोषणा की है कि वो विश्व स्वास्थ्य सभा में एक प्रस्ताव पेश करेगा ताकि WHO के प्रदर्शन सहित कोरोना वायरस महामारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की समय पर समीक्षा की जा सके। और इस पर वॉशिंगटन और जिनेवा के राजनयिकों ने सुझाव दिया है कि प्रस्ताव को बहुत सारे देशों के साथ विमर्श के बाद तैयार किया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सालाना बैठक में चीन पर दबाव बनाया जा सके। ऐसे में भारत का स्टैंड क्या होगा, ये भी देखना होगा। जिस तरह से कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है, उससे दुनिया भर के कई देश चीन से नाराज चल रहे हैं। वायरस के संक्रमण ने तो दुनिया को परेशान कर ही रखा है, ऊपर से चीन के घटिया चिकित्सा उपकरणों से और कई देश परेशान है। चीन ने अब तक कई देशों को खराब चिकित्सीय उपकरणों की सप्लाई दी है, हालांकि हर जगह उसकी पोल खुल गई और हर देश उससे नाराज है। यहां तक कि उसने भारत को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसकी धूर्तता को पहले ही भांप लिया। चीन को भारत को भेजे गए PPE किट में से करीब 1/4 क्वालिटी टेस्ट में ही पास नहीं हो पाया था, और अब तेजी से फैले इस कोरोना वायरस की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर अग्रसर हो गई है। 210 से ज्यादा देशों में वायरस ने लोगों को संक्रमित किया है, और अब इस वायरस को हराने के लिए दुनिया भर के देश एकजुट हैं और जल्द ही इस वायरस को खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।